यशी कपिल व्लॉग्स। और जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि मेरी मम्मी का ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि मेरी मम्मी का एक कुकिंग यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्रेजी कुकिंग विद अनुभा। तो आज मदर्स डे है, तो आज के ही दिन मैं अपनी मम्मी के चैनल के बिहाइंड द सीन्स को फीचर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ते हैं साफ मैंने कर लिए हैं, धो लिए हैं ये पत्ते मैंने इनफेक्ट, और मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर रखा है। तो ये तो गाइस, अब हम आ चुके हैं क्रेजी कुकिंग विद अनुभा के बिहाइंड द सीन्स पर। तो ये है मेरी मम्मी, और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूंगी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेटअप है यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ है कि अभी मम्मी इस गिम्बल से रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़े वाला ट्राइपॉड है उससे भी ये वाली वीडियो शूट हो रही है। और सबसे बड़ी बात इस ब्लॉग की ये है कि मम्मी ने आज तक खुद को यूट्यूब पे कभी भी अपने चैनल पे फीचर नहीं किया है, तो ये पहली बार है जिसमें मम्मी फीचर हुई है। तो मैं आपसे ही बोलूँगी कि आप अपनी जर्नी बताओ, सबको कैसी रही है और आपने क्या क्या किया, और मतलब सब कुछ। ये तो आपको पता ही है कि ना, मैं यूट्यूब का आने का जो मेरा क्रेडिट है वो बरदान पे रहता है। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसे एक दिन वो बना रही थी अपनी ठंडाई की रेसिपी, वो बनाते बनाते बरदान ने कहा मम्मी चलो मैं इसको शूट करता हूँ, देखते हैं आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो मैं अपने पैशन को थोड़ा सा सबके सामने ले आता हूँ। तो वो ऐसे बनाई, आपको पता है वीडियो शूट की, बरदान ने मुझे दिखाई, वो अच्छी लगी, और सौभाग्य से वो अच्छी चल रही वीडियो। और उसके बाद फिर सब ऑडियंस की आशीर्वाद से सबकी उससे अच्छा सा चल गया चैनल, ठीक ठाक ही अच्छा काम मिल गया। मैं अपना जो शौक है उसको मैं अपना डेवलप कर सकती हूँ, ऑडियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं पुदीने की पत्तियाँ, मैंने धोकर साफ करके रखी हैं। और अब मैंने क्या मिलाना है इसमें, ये तो फ्रेंड्स अब मैंने क्या किया है, ये पत्तियाँ रखी हैं, साथ में ये है हमारा टार्टरिक एसिड, और जिसको हम टार्टरिक बोलते हैं, और ये है हमारा नमक। ये नमक हमने लिया है, हाँ ये नमक हमने लिया है, सादा नमक और काला नमक दोनों अच्छे से। अब इसको चर्न करने के लिए क्या करना है, हमें इसको कुछ नहीं डालना है, अभी इतने ही हम पानी में इसको चर्न कर लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, तब तक जब तक इसमें ये जो इसके पत्ते पूरी तरह से वरदान देखो यशी कोई आया है, और ये लिया है पानी। अब इसका अनुपात इस तरह से कि चीनी हमने ओह माय गॉड करती हूँ इसको इसमें ट्रांसफर इस तरह से, तो फ्रेंड्स अब करते हैं इसको गार्निश। इसको सर्व करने से पहले हम इसको गार्निश करने के लिए लिया मैंने ये लेमन, नींबू की स्लाइस, और एक लिया ये पुदीना। तो गाइस आपने देखा कि कितने एफर्ट्स और फनी मोमेंट्स के बाद में आप तक ये रेसिपी पहुंचाई जाती है। अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी कुकिंग विद अनुभा। एक और बात, आप लोगों ने मुझे मेरे पहले व्लॉग के लिए बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा कंटेंट लाती रहूँ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको दीजिए एक लाइक बटन, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल बटन। और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।